किलोमीटर दूर पाकिस्तान से लगती सीमा पर बना यह माता का मंदिर अपने आप में अद्भुत मंदिर है, जिसका नाम है तनोट माता का मंदिर। जैसलमेर की सीमा जो भारत और पाकिस्तान को बांटती है, इसकी हिफाजत का जिम्मा बीएसएफ के जवानों पर है। लेकिन मीलों फैले रेगिस्तान में ये जाबाज अकेले नहीं है, इन जवानों की रक्षा करती है बॉर्डर वाली माता। बीएसएफ के जवान इन्हें बम वाली माता भी कहते हैं। ये है भारत पाकिस्तान सीमा पर मौजूद तनोट माता का मंदिर। तनोट माता मंदिर के चमत्कार के आगे पाकिस्तान भी नतमस्तक हो चुका है। 1965 के युद्ध में पाकिस्तान ने जैसलमेर के तनोट पर कब्जे के लिए तीन तरफ से हमला बोला था। आसमान से पाकिस्तानी फाइटर प्लेन भी बम गिरा रहे थे, तो जमीन पर तोप से गोले दागे जा रहे थे। कहते हैं कि यहाँ करीब 3000 गोले दागे गए थे। इनमें से करीब 450 गोले तो मंदिर के आंगन में गिरे, लेकिन कोई भी गोला फटा नहीं और मंदिर को एक खरोंच तक नहीं आई। तभी से ये मंदिर बम वाली माता के मंदिर के नाम से मशहूर हो गया। तनोट माता मंदिर का सारा कामकाज बीएसएफ के जवान ही देखते हैं। पुजारी की जिम्मेदारी भी जवान ही निभाते हैं। जवानों का विश्वास है कि तनोट माता मंदिर की वजह से जैसलमेर की सरहद के रास्ते हिंदुस्तान पर कभी भी कोई आफत नहीं आ सकती। मंदिर में 1965 और 1971 की जंग की गौरव गाथा सुनाती तस्वीरों की पूरी झांकी भी सजी हुई है। मंदिर के भीतर बम के वो गोले भी रखे हुए हैं जो यहाँ आकर गिरे थे। जवानों का मानना है कि यहाँ कोई देवी शक्ति है। इन युद्धों के बाद से ये मंदिर भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की सेना के लिए भी आस्था का स्थान रहा है। माना जाता है कि माता की शक्ति से प्रभावित पाक सेना के कमांडर शहनवाज खान ने युद्ध समाप्ति के पश्चात भारत सरकार से इस अद्भुत मंदिर के दर्शन की इजाजत मांगी और 2.5 वर्ष बाद इजाजत मिलने पर शहनवाज खान ने माता के दर्शन कर यहाँ छत्र चढ़ाया। भारत पाक युद्ध के दौरान राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान सेना को परास्त करने में तनोट माता की भूमिका बड़ी अहम मानी जाती है। यहाँ तक माना जाता है कि माता ने सैनिकों की मदद की और पाकिस्तानी सेना को पीछे हटना पड़ा। तो दोस्तों, देखा आपने सेना के साथ साथ कैसे माता भी हमारी सरहदों की रक्षा कर रही है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, साथ ही अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में भी बताएं।